न्यूट्रिशियस फॉर आवर हेल्थ. आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर. नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो. माय नेम इज नलिनी, वेलकम टू माय किचन. आइए देखते हैं ये कैसे बनता है. यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो स्पिनच. इसको हमने पहले गर्म पानी में डाला और उसके बाद इमिडिएटली एक मिनट के बाद ठंडे पानी में डाला और उसके बाद हमने इसको ब्लेंडिंग जार में पीस लिया. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि पालक का कलर ग्रीन ही कैसे रहे, तो इसके लिए हमें उबलते पानी में एक मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है और इमिडिएटली उसको ठंडे बर्फ़ के पानी में हमें इसको डालना होता है. इसकी वजह से पालक का ग्रीन कलर बना रहेगा. और हमको चाहिए कॉटेज क्यूब यानी कि पनीर. इसको हमने इस तरह के स्लाइसेस में काट लिया है. टमाटर है ये दो बड़े, उसमें हमने दो हरी मिर्च डाल करके पीस लिया है. और मिर्च पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप बिल्कुल मत डालिए उसको. इसके अलावा हमने लिया है बेसन एक बड़ा चम्मच, एक छोटा चम्मच मलाई या क्रीम, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया पाउडर. इसके लिए चाहिए हमें कड़ी तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च और एक छोटी सी दालचीनी स्टिक. इसके अलावा एक बड़ी इलायची और दो लौंग लिए हैं हमने. सॉल्ट एज पर टेस्ट, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी मिर्च. इससे बहुत अच्छा कलर आता है. अगर आपको मिर्च नहीं खानी है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं. और 2 garlic हमने फाइनली चॉप कर लिया है. इसके अलावा जिस पानी में हमने पालक को गर्म किया था ये वही पानी है, उसको हम फेंकेंगे नहीं और उसको यूज़ करेंगे. उसके अलावा मुझे ये होगा ऑयल 2 चम्मच. एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है. आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं. उसको गर्म होने देंगे. गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे हम तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च, बड़ी इलायची और सिनेमन लौंग और जीरा. जीरा हम कलर चेंज होने तक रखेंगे. जीरा क्रैक करने लगा. अब हम डालेंगे लहसुन और हम लहसुन को सॉटे करेंगे. बहुत ज़्यादा सॉटे नहीं करेंगे. और इसमें हम डालेंगे बेसन और इसको थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा निकल जाए. इसमें इसी स्टेज पे थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट. अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं. ऐड कीजिए कश्मीरी लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर, धनिया पाउडर. मसाला ना पकड़े इसके लिए हम थोड़ा सा पानी यहाँ ऐड करेंगे. मसाला हमारा इससे पैन में नहीं पकड़ेगा और अच्छे से भुनेगा. ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी. ये हमारे प्यूरी किए हुए टोमेटोज हैं. इसको हम चलाते रहेंगे, 2 से 3 मिनट चलाएंगे. देखिए हमारा ये मसाला अच्छे से पक चुका है. अब इसमें हम अपनी पालक की प्यूरी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. कुछ लोग टमाटर नहीं डालते हैं और उसकी जगह दही भी ऐड करते हैं या लेमन जूस ऐड करते हैं. अगर आपको स्पिनच का कलर सेम वैसा ही चाहिए तो आप टमाटर की खटास के लिए उसका सब्स्टिट्यूट जो है लेमन यूज़ कर सकते हैं. आप लेमन जूस को यूज़ करें और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे अच्छे तरीके से. अगर आपको पालक पनीर की जो ग्रेवी है आपको थिक नहीं चाहिए तो आप इसमें लिटिल बिट वाटर ऐड कीजिए, बस बहुत थोड़ा सा ही, और उसको पकने देंगे. इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट. हम सॉल्ट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक में इनफ सॉल्ट होता है, इसलिए थोड़ा ही सॉल्ट ऐड करेंगे और पनीर इसमें डाल देंगे. हम इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बहुत आराम से मिक्स करेंगे और अपना फ्लेम बंद कर देंगे और इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे. इट्स रेडी नाउ. और सर्व करते वक्त हम इसमें कुछ मलाई ऐड करेंगे. पालक और पनीर का जो कॉम्बिनेशन इज़ वेरी न्यूट्रिशियस और बच्चे हमेशा अवॉइड करते हैं, वो स्पिनच नहीं खाना पसंद करते हैं, तो आप उनको डिफरेंट वेराइटीज़ उसका बना करके दे सकते हैं. मैं अपने अगले वीडियोस में कोशिश करूँगी कि स्पिनच से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियोस रेसिपीज़ लेकर के आऊँ. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए. मैं नलिनी, इजाज़त चाहती हूँ. बाय बाय.